देखें तो वहाँ भी संक्रमित लोग मिले हैं। तो प्रयास है कि यहाँ हम लोग कोविड की गाइडलाइंस का अनुपालन करते हुए यहाँ इस आयोजन को हम पूरी तरह से सफल बनाएं। मंत्री जी, वैक्सीन को लेकर जो राजनीति हो रही है, कोई कह रहे हैं कि भाजपा की वैक्सीन है, कोई कह रहा है कि इसमें सुपर का जल्दी मिली हुई है। देखिए, ये मुगलिया सोच है, ये अभी तक ये गुलामी से बाहर लोग नहीं निकल पाए। अपने वैज्ञानिकों का जो अभिनंदन करना चाहिए, उनको साधुवाद देना चाहिए, जो इस कोविड में जो हमारे कोरोना के योद्धा हैं, उनका शुभाशीष, उनको आशीर्वाद, उनका अभिनंदन हम सब लोग करें, बशर्ते वल किस पर राजनीति कर रहे हैं। यही चीज़ अगर विदेश से आती है तो बहुत अच्छी है, हमारे देशवासियों ने बनाई है तो बहुत ख़राब है। तो ये कुत्सित मानसिकता है, ये गुलामी की मानसिकता है। अब नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, इन लोगों को गुलामी की मानसिकता से बाहर आना चाहिए। भारत आत्मनिर्भर बन रहा है, आज विश्व भारत की प्रशंसा कर रहा है, आज सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत ने बहुत अच्छा काम किया है, कोविड वैक्सीन में हम लोग बहुत अग्रणी रहे हैं, आज हम दुनिया को नेतृत्व दे रहे हैं। भारत विश्वगुरु था और धीरे धीरे भारत विश्वगुरु बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो लोगों को खुश होना चाहिए, लोगों को अपने लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि उसको आलोचना करना चाहिए। किसान आंदोलन चल रहा है, आपने भी आज ट्रैक्टर चलाया। देखिए, मैं किसान का बेटा हूँ, नौ दौर की बातचीत अभी तक देने की। किसान हमारा अन्नदाता है, मैं भी किसान का बेटा हूँ और हम छोटी जोत के किसान हैं। छोटी जोत के किसान मोदी जी के साथ हैं। मोदी जी ने किसानों को आर्थिक रूप से कैसे स्वावलंबी बनाया जाए उसकी एक रूपरेखा तैयार की है। किसानों के घर में खुशहाली आए, मोदी जी इसकी चिंता कर रहे हैं। आज देश का किसान मोदी जी के साथ खड़ा है और मोदी जी ने बिचौलिया सिस्टम समाप्त किया है। जो किसान कहीं ना कहीं किसान की इनकम में जो घुसपैठ करता था बिचौलिया, उसको समाप्त कर रहे हैं मोदी जी। और कांग्रेस नहीं चाहती किस देश से बिचौलिया समाप्त हो, क्योंकि कांग्रेस की तो इनकम बिचौलियों से होती है। और इसीलिए अब तो गणतंत्र दिवस का भी वो कह रहे हैं कि उस कार्यक्रम को आप निरस्त कर दीजिए, और गणतंत्र दिवस के दिन ट्रैक्टर रैली हो, इसको भी कहीं ना कहीं वो कांग्रेस और वामपंथी हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। गणतंत्र हम सबका है, हम भारतवासियों का है, गणतंत्र किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं होता है। तो ये कुत्सित मानसिकता है वामपंथी और जो कांग्रेस का जो कॉकटेल है, वो कहीं ना कहीं दुनिया में भारत की छवि को ख़राब करना चाहता है। आज देश का अन्नदाता नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ खड़ा हुआ है, और जब तक मोदी जी हैं तब तक किसान का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। कुछ लोग किसानों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं कि बड़े बड़े उद्योगपति आपकी ज़मीनों पर कब्जा कर लेंगे। जब तक मोदी जी हैं तब तक कोई किसी की ज़मीन पर कब्जा नहीं कर सकता। मोदी जी जब तक हैं तब तक किसान का कोई उत्पीड़न नहीं कर सकता। तो किसान की इनकम को कैसे बढ़ाया जाए, उसके घर में खुशहाली कैसी लाई जाए, इस तरह ये जो कानून है वो उसके लिए है। और जो किसान का भला नहीं चाहते वो कहीं ना कहीं इस पर राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस ने सरकार में रहकर भी किसानों का अहित किया, अब विपक्ष में कांग्रेस और वामपंथी हैं फिर भी वो किसानों का अहित कर रहे हैं, लेकिन किसान मोदी जी के साथ।